पार्ट्स में करेंगे सबसे पहले हम जो है यहाँ तक करते हैं आयत का इतना हिस्सा तो चलिए इंशाल्लाह देखते हैं जो वाव है ये इसको वाव हालिया भी कहा जा सकता है इसको अगर वाओ अतफ कहा तो फिर जो पिछली आयत नंबर फोर थी उस पे इसको उसको आयत नंबर फोर को मातुफ अलह समझा जाएगा या फिर इसको वाव भी कहा जा सकता है तो बहरहाल अगर इसको हरफ हालिया यानी वाओ हालिया तो फिर इसका मतलब है कि ये पिछली आयत का हाल बयान कर रहा है उसका आ, उस, आ, उस उस उसमें जो लोगों का जिक्र हो रहा है उनका हाल आगे बयान हो रहा है बागे माँ जो है ये माँ हरफ नफी है उमिर ये फेल है फेल माजी मजहूल हमजा मी मुर इसके रूट लेटर्स है और इसमें हुम जो है वो नाइब फाइल है क्योंकि ये माजी मजहूल है तो इसलिए यहाँ पे फाइल नहीं बल्कि नाइब फाइल होगा इल्ला ये जो है ये हसर के लिए इस्तेमाल हुआ है ली या अब जो शुरू में ये जो लाम है जेर के साथ ये लामे कई इस ये हरफ़े जर लाम है ठीक है लेकिन जब ये फेल मुदारे के ऊपर आता है तो आप ये जहन में रखियेगा कि जब भी लामी लामे जारा जब फेल मुदारे के ऊपर आएगा तो यहाँ पे एक अन जो है वो हिडन होता है एक अन जो अन मजदरिया जो हर हरफ नासिबा होता है जो फेल मुदारे को मंसूब करता है वो यहाँ पे जाहिर नहीं होता वहां वो मुदमर होता है हिडन होता है छुपा हुआ होता है तो बजाहिर ऐसे लगता है कि जैसे इस लाम कई ने इस्लामी तालील ने इसको मंसूब किया है लेकिन ये लामे जो तालील जो लामे हरफ जर होता है ये फेल मुदारे को मंसूब नहीं करता मंसूब वही अन करता है जो कि यहाँ पे हिडन है जो जो मंशन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन के जब भी कभी आपको लामे जर मिल जाए और उसके बाद फेल मुदारे मिल जाए तो बस ये लाजमी जहन में रखिएगा कि वहां पे अन मसदरिया जरूर मौजूद है क्योंकि जब तर्जमा करेंगे तो मसदर के हिसाब से फिर उसको अः तर्जमा किया जाएगा और वो जो मुदारे जो फेल मुदारे है वहां पर वो मनसूब होगा फिर तो अब हम देखते हैं कि ये मनसूब है तो इसकी सूरत हाल क्या है ये फेल मुदारे मनसूब है और हम इसमें फाइल है अब यहाँ पे कैसे पता चला कि ये मंसूब है क्योंकि इसमें जो नून है आखिर में जो नून आता है ना जो नून है ना वो यहाँ पे हजफ हो चुका है वो गिर चुका है वो ड्रॉप कर दिया गया है किस वजह से ड्रॉप किया गया है क्योंकि पीछे अन था जिसने इस फेल मुदारे को मनसूब कर दिया आगे अल्लाह लफ्जुल जला जो है ये मफूल बना इस याबुदू फेल के लिए और मुखल ये जो है इसमाइल है बाब इफाल से ठीक हो गया खा लाम स्वाद इसके रूट लेटर्स हैं और ये बाब इफाल से इसम्फाइल हो गया लहू ये जार मजरूर जो है ये मुतल है मुखलिस के यानी के आपको पता है कि जो जार मजरूर जो मुतालिक बनते हैं ये हमें ये आठ चीजों में से किसी एक के मुतालिक होते हैं उनमें से एक चीज जो है वो इसम्फाइल है ठीक है तो इस वक्त ये जो मखली ना है ये इसम्फाइल का सीआ है जमा का तो ये जारमज़ूर मजूर इसी के मुतालिक है अदीना ये क्या है ये जो है ये मफूल बनेगा मखली सीना के लेके क्योंकि मुखली सीना ये जो इस्माइल है ये कभी कभी इस्माइल भी रिक्वायर करते हैं मफूल को बिल्कुल जिस तरीके से फेल काम करता है उसी तरीके से जो है फ़ाइल भी काम करता है यानी कि वो मुखलिस है तो क्वेश्चन रेज होता है किसके लिए मुखलिस है किस चीज के साथ मुखलिस है तो वहां पे फिर वो मफूल चाहिए होता है तो इसलिए ये अदीना यहाँ पे मफूल है मुखलिसीना इस्माइल के लिए अच्छा अब मुखल जो इस्माइल के अंदर होम का सीवा है वो और लहू मुतालिक और मफूल ये जो है फा, अपने मफूल और मुतालिक से मिलकर ये पूरा हाल बनेगा और हाल नंबर वन इसलिए कहा कि अभी हाल नंबर टू जो है ये हुनाफा जो है ना ये हाल नंबर टू है ये हा नून फा इसके रूट लेटर्स हैं हनीफ की जमा है ठीक है तो ये बना हाल नंबर दो अब ये दोनों हाल हैं तो किसके हाल हैं जुल हाल को देखते हैं जुल हाल जो है ना ये जो फाइल है या अब जो तो फेल है फेल मुदार मनसूब जो फेल है उसमें जो हूं की जमीर जो फाइल है उस वो जुल हाल है ठीक है उनका हाल बयान किया जा रहा है कि वो इबादत करें तो कैसे इबादत करें उस हाल को बयान किया जा रहा है कि वो किस हाल में इबादत करें तो दो हाल बयान बयान किए जा रहे हैं अब जो हम फाइल जो जुलहाल है अपने दोनों हाल और मफूल से मिलकर ये पूरा जो है ना ये मातूफ अलई बना तो इसका मतलब है कि इसका मातूफ जो है वो अभी अगले हिस्से में है इसी आयत के अगले हिस्से में मातूफ होगा अब ये पूरा जो मातूफ है मातूफ अलई ये बन जाएगा जो लामे जर जो लामे कई जो लामे तालील हरफी जर है उसके लिए मजरूर क्योंकि लामे जर चाहे फिर मुदारे के ऊपर आए लेकिन काम तो उसने वही करना है कि उसने अपने बाद में आने वाले जो भी कलिमा होगा जुमला होगा या इसम होगा उसको मजरूर करना है इस वक्त चूंकि उसके बाद पूरा एक जुमला फेलिया है तो उसने उस पूरे जुमले फेलिया को जो है ना महलन मजरूर कर दिया ठीक है तो हम इसको कहेंगे कि महलन ये इस वक्त पूरा मजरूर है अब ये लामे जर और अपने मजरूर के साथ मिलकर ये पूरा जो है ये मुतालिक बनेगा और मुतालिक किसका बनेगा उमीरू फेल के लिए ठीक हो गया अब उमीरू फेल अपने होम नाईब फाइल और मुतालिक के फेल से मिलकर अब ये पूरा हुआ जुमला फेलिया लेकिन अभी ये आयत का छोटा हिस्सा है ठीक है अभी अगला आयत का जो अगला हिस्सा इंशाल्लाह वो भी अभी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूं ترجمہ کرتے ہیں واما اور نہیں اومیرو انہیں حکم دیا گیا الا सिवाय इसके के के वो इबादत करें अब यहाँ पे देखें ये नहीं कहा या अबू ना वो इबादत करते हैं करते हैं या फिर ये कहा जाए कि वो इबादत करेंगे क्योंकि फेल मुदारे का तर्जुमन इस तरह से ही होता है ना कि वो इबादत करते हैं या वो इबादत करेंगे अब चूंकि इसके पीछे अन मजद्रिया मौजूद था जिसने इसको मंसूब किया तो अब तर्जमा किस तरीके से मजदर के हिसाब से हो रहा है कि वो इबादत करें इबादत करना के हिसाब से तर्जमा हो रहा है ये नहीं कहा कि इबादत करते हैं या करेंगे ठीक है? तो तर्जमा फिर इसलिए मजदर के सेंस में हुआ कि वो इबादत करें और अब आगे वो वो इबादत करें तो जो वो इबादत करना उनका जो हम है वो जुलहाल है अब उनका हाल बयान किया जा रहा है कि वो इबादत किस तरह करें क्या हाल हो और किस तरह जो है वो इबादत करें तो अब हाल बयान हो रहा है यानी पहले बयान हो रहा है मफूल कि वो किसकी इबादत करें वो इबादत करें अल्लाह की अब हाल बयान होगा कि अल्लाह की इबादत करें तो कैसे करें किस हाल में करें तो वो हाल क्या है उसके दीन के लिए मुखलिस होकर यानी खालिस उसके दीन के लिए इबादत करें और यकसू होकर हनीफ कहते हैं सारी जो है ना मामला छोड़कर गोशा नशीन हो जाना जिसे कहते हैं मतलब अल्लाह से लो लगा लेना तो सारे जकसू होकर मुकम्मल देहान तवज्जो जो है ना पूरी अल्लाह की तरफ लगा कर और जब जो भी काम करें खालिस अल्लाह के लिए अल्लाह की खुशनुदी के लिए इबादत करें चाहे या वो इबादत कोई भी हो हम जिस काम को भी हम इबादत समझ के करें तो उसमें नीयत क्या होनी चाहिए खालिश के मुखलिस के, अपने दीन के साथ कि हम अपने दीन के लिए काम कर रहे हैं और ये दीन में दीन में ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की इबादत करें फिर ये हो जाती है कि हम अल्लाह की इबादत करें और ये हम अपने दीन के लिए खास कर रहे हैं यानी इस तरह से ये इसका हाल फिर बयान हो जाएगा अच्छा अब ये आयत का इतना हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया अब हम व युकी इसने हिस्से को करेंगे और फिर आगे का दीन इसको करते हैं अच्छा चले अब यहाँ पे जो, जो न, ये जो वाव है ना ये हरफिया तफ है युकी मुंह की तरफ चलते हैं अब देखिए यहाँ पे भी ये फेल मुदारे की अलामत हमें शुरू में या अलामत मुदारा अलामत मुदारे जो है मुदारा कह रही हूँ अलामत मुदारे जो है ये हमें नजर आ गया क्योंकि शुरू में यू जो लगा हुआ है या के ऊपर पेश या नजर आ गई हमें लेकिन देखिए यहाँ पे नून नहीं है युकी मू ना ऐसे नहीं है नून नहीं है तो उसके पीछे क्या कहानी है वो अभी हम देखते हैं ये सिर्फ युकी मुँह है तो इसका मतलब है कि ये फेल भी मंसूब हुआ हुआ है और ये मंसूब क्यों हुआ है ये इनशाला मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ इसके जो रूट लेटर्स है वो है काफ वाव मीम और बाबे फाल से है इसमें फाइल है असलाता ये इस वक्त मंसूब है हालत नसब में है तो ये बन जाएगा मफओ यहाँ पे अगेन हरफ अतफ आ गया अब ये दो हरफ अतफ है ठीक है तो यू युकीम सलाता जो है ये बन जाएगा मातूफ नंबर वन मातूफ अलह हम पिछली आयत में कर पिछले इसी आयत के पिछले हिस्से में कर चुके हैं अब यु तू जो है यु तू ये ये भी फेल मुदारे मंसूब है या इसके रूट लेटर्स हैं ये भी से है और इसमें भी हुम फाइल है सबका देखें हुम उसमें फाइल हो रहा है अज्जाता ये बन जाएगा इसका इस फेल के लिए मफोल अब ये हुम फाइल और मफोल मिलके ये जुमला पूरा फेलिया जो है ये दूसरा मातूफ बन जाएगा जिसका मातूफ अलई पिछले हिस्से में बयान हो चुका है अब वो पिछले हिस्से का मातूफ अलई और ये दो मातूफ मिल के अब पूरा मरकब अतफी जो है कम्प्लीट हुआ और अब इसका जब मैं तर्जमा करती हूँ व और युकी मुह वो कायम करें अब ये नहीं कहा कि वो कायम करते हैं ये कायम करेंगे देखिए यहाँ पे भी मजदर के लिहाज से तर्जमा चल रहा है क्योंकि उस अन का असर अभी तक चल रहा है और वो अन का असर क्यों चल रहा है क्योंकि ये वाओ अतफ बीच में आ रहे हैं इन वाओ अतफ ने जो है वो अभी तक ये मरकब पूरे अत्फी को फिर उसने जो है ना अपने होल्ड में रखा हुआ है इनशाला आगे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी दोनों पूरी आयत को सामने रखकर और वो कायम करें तो क्या करें नमाज नमाज इसका मफूल हो गया और अबो अदा करें जक़ात अच्छा वाह जो यहाँ पे है ये हरफ जाता है या फिर इसको भी वाह हालिया बना लिया जाए ठीक है यानी इसका इस ये जो अब आ, अगली आयत का अगला हिस्सा है या तो इसको हाल बना लिया जाए पिछले इस हिस्से का या फिर इसको एक नया जुमला बना लिया जाए का इससे जुमला शुरू हो रहा है इसको हम वाह अतफ नहीं कह सकते इसलिए उनके पीछे जो ये जो याबू युकीमु यु, तू ये सारे फेल आए हैं ठीक है तो अब ये ये जालि दीनुल क़यीमा ये तो जुमला इसमें बन रहा है अब जुमला फेलिया और जुमला इसमें का जोड़ नहीं बन रहा ठीक है तो ये अतफ इसलिए बन नहीं सकता अच्छा जालि का इसम शारा हो गया और ये इसम शरा हमेशा मार्फा होते हैं और जुमले की जब इब्तदा इससे होगी तो फिर ये बन जाएगा मुबतदा अब दीन अल्किमा दिनू हो गया मुदाफ अलकियमा हो गया मुदाफिल मुदाफ मुदाफ अब, अब ये पूरा जुमला इस्मिया बना और इसको जुमला इसमिया इस्तेनाफिया कह लिया जाए या हालिया कह दिया जाए पिछले जुमले का हाल तर्जमा जब करेंगे तो कहेंगे कि और ये मजबूत दिन है यानी कि जो पीछे पूरी बात बयान हुई है कि नमाज का इबादत करना अल्लाह की यकसू होकर मुखलिस होकर दीन के लिए और नमाज का कायम करना और जक़ात का अदा करना यही मजबूत दिन है ठीक है ये मजबूत दिन है तो यहाँ पे ये बात कंप्लीट हुई अभी मैं यहाँ तो अभी मैं जो ये जो पूरा मरकब अथवी था ना इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ इनशाला आयत का जो पहला हिस्सा हमने किया था वो और आयत का जो दूसरा हिस्सा था जिसमें अभी मैं सिर्फ ये वो मरक वाली का दीनकीमा वो इसके अंदर शामिल नहीं है ठीक है अच्छा अब देखे आप यहाँ पर के मातूफ़ अलई क्या था लिया यहाँ तक ये यह मातूफ अलई था फिर अतफ ने आगे बाकी दो मातूफ और भी आए तो अब यहाँ पर ये यह जो लामे ये जो लाम था लामे कई ठीक है ये जो लामे के लामे जर था ये वाला इसने इस पूरे जुमले में जो फेल आए हैं उसको जो है ना वो मंसूब किया है क्योंकि इस लामे जर के बाद एक अन मुजमिर है छुपा हुआ है हिडन है उस अन ने जितने भी फेल आए हैं उन सबको मंसूब किया है और वो ये सारे फेल जुड़े किस तरह ये जो बीच में वा आए हैं इनकी वजह से ये सब कनेक्टेड है ठीक है तो ये इस तरह से ये पूरी जो है ना चेन इनकी चल रही है अच्छा अब पहले हमने सिर्फ क्या किया था कि मातुफ अलई को इतने हिस्से को मजरूर बना दिया था अब सिर्फ मातूफ अलई तो मजरूर ही ना बनेगा उसका मातूफ भी तो बनेंगे ना तो दोनों मातूफ मिल के अब पूरा मजरूर बनेगा मातुफ अलई अपने दोनों मातूफ के साथ मिलकर अब मजरूर हुआ हरफे जर जो लामे कई था ठीक है लामे कई के लिए अब जार मजरूर ये पूरा मिलकर अब ये पूरा मुतालिक बनेगा मुतालिक फेल उमिरू ठीक है अब उमिरू फेल इसके अंदर होम नाइब फाइल और मुतालिक फेल से मिलकर ये अब पूरा जुमला फेलिया कंप्लीट हुआ ठीक हो गया उमीरु फेल अपने होम लाइफ फाइल और मुताबिक से मिलके पूरा जुमला फेल लिया और नहीं उन्हें हुक्म दिया गया सवाय इसके के वो इबादत करें अल्लाह की उसके दीन के लिए मुखलिस होकर यक्सू होकर और वो कायम करें नमाज और अदा करें zakat अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि थोड़ी सी देर के लिए जस्ट समझने के लिए समझेंगे इतना सा हिस्सा नहीं है मुखल जो दो हाल थे जस्ट सपोज कि ये मौजूद नहीं है ठीक है अब आपने क्या करना है अब मैं आपको समझाती हूँ कि अतफ किसान ये हुए जुड़े कि याबुदुल्लाह वो अल्लाह की इबादत करें और नमाज कायम करें और जक़ात दें ठीक है तो ये अब इस तरह से ये पूरा जो है ना मरकबे अतवी इस तरह था कि उन्हें नहीं हुक्म दिया गया सवाए इसके कि वो अल्लाह की इबादत करें और नमाज कायम करें और जक़ात दें बस ये जो मुखल सीनाउद्दीन था ना ये उसका फिर वो बीच में एक एडिशनल है कि वो इबादत करें तो कैसे करें उनका हाल बयान किया जा रहा है ठीक हो गया तो अगर थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा स्किप करके आप देखें तो ये अतफ इस तरह से देखें ये तीनों फेल एक ही पैटर्न पे है याबुदू युकी मु सारे ही, ही मंसूब हुए हैं। अच्छा अब हम देखते हैं इस आयत के अंदर जो युकी मुंह और यु तू, ये कैसे बने ठीक है सबसे पहले हम युकी मुंह को देखते हैं कि ये कैसे बना बाबे फाल से है काफ वाओ मीम इसके रूट लेटर से अफ आला युफ इसी वजन के ऊपर रखेंगे तो ये बन जाएगा युक वी मुंह अब यहाँ पे रू, रूल जो है वो अप्लाई होता है अजवाफ का का। हरफ मुतहर हो देखे उसके जजेर है और उससे पिछले हर्फ पर जजम हो तो काफ के ऊपर देखे जजम है तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि हरफ इलत अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर कर देगा और खुद उस हरकत के मुाफिक हर्फ में बदल जाएगा अब जो चार्ट आया है उसमें देखें उसके मुताबिक जब जब वाओ अपनी हरकत जो कि जेर है जब ये पीछे ट्रांसफर करेगा काफ को तो जेर से मुआफिक हरकत जो है वो है या तो ये आ, या जेर से मुआफिक है तो ये जो वाओ है ना इस वक्त वो या में तब्दील हो जाएगा तो सिचुएशन फिर कुछ ऐसी बन जाएगी ये बन जाएगा युकीमो ठीक है वाओ ने अपनी जेर पीछे दे दी काफ को और खुद या में तब्दील हो गया तो बन गया युकी मो काफी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है अब जब इसका जमा बनेगा तो बन जाएगा युकीमूना अब जब फेल मुदारे किसी वजह से मंसूब होता है या मजजूम होता है यानी पीछे या तो हरफे नासिबा आ जाए या हरफे जाजिमा आ जाए मंसूब हो जाए या मजजूम हो जाए दोनों ही सूरतों में जमा का सीगे का जो नून है वो गिर जाएगा ड्रॉप हो जाएगा और उसकी जगह अलिफ लग जाएगा तो फिर बन जाएगा युकी तो ये इस तरह से बना अब हम अगला फेल देखते हैं यु कि ये कैसे बना अफ अफ आला यु इसी वजन के ऊपर रखा तो ये बन गया यु तीय ठीक है अब इस पे रूल अप्लाई होगा या नाकिस का कि किए नाकिस मुतहरिक हो देखिए उसके ऊपर पेश है और उससे पिछले हर्फ पर जेर हो तो फिर क्या होता है कि जो या है उस पर जो भी हरकत होगी चाहे वो जबर हो या पेश हो जेर हो वो हरकत खत्म हो जाती है तो ये जो पेश है ये गिर जाएगी ठीक है पेश गिर जाएगी अच्छा तो फिर सिचुएशन कुछ इस तरह बन गई युक्ति ठीक है अब क्या होगा इसका हम बनाते हैं जमा तो ये बन जाएगा युक्ति यू ठीक है यूना। अब यहाँ पे फिर से यही वाला रूल अप्लाई होगा कि या ना किस मुतहरक हो या के ऊपर पेश है और उससे पिछले हर्फ पर जेर हो तो या पर लगी हरकत खत्म हो जाती है तो ये जो या के ऊपर पेश थी ये दोबारा गिर जाएगी ये गिर गई अब देखें अब इसको आप पढ़ना चाहें तो अब आपके लिए पढ़ना मुश्किल है युक्ति आगे वाओ भी है अब समझ नहीं हो चुके हैं। जब दो हर्फ आ रहा है तो मादे का हर्फ जो है, वो गिर जाता है। जो मादे का हर्फ होगा जो सीगे का वाव है वो नहीं ड्रॉप होगा क्योंकि उस वाव से पता चलेगा कि ये जमा का सीगा है इसलिए वाव को नहीं गिराएंगे या को गिराएंगे जो मादे का हर्फ है ठीक है हमेशा मादे का हर्फ गिरेगा सीगे का जो वो होता है वो कभी नहीं गिरता तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि जब या खत्म हो गया ठीक है अब देखिये यहां से हमने या को खत्म कर दिया या ड्रॉप हो गया अभी भी अभी भी सिचुएशन डिफरेंट है अभी भी डिफिकल्ट है इसको पढ़ना अब हम अभी भी हम कोशिश करें तो अब हम इसको पढ़ नहीं पा रहे क्यों क्योंकि जेर की वाऊ के साथ दोस्ती नहीं है ना वाऊ की जेर के साथ है मतलब इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता जेर के साथ आगे वाऊ आ जाए तो पढ़ने में मुश्किल है तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा वाव को तो जैसे मैंने बताया कि वाव जो सीगा है जमा का सीगा है, वाव को तो खत्म नहीं कर सकते उसको तो हिला नहीं सकते तो फिर क्या जोर किस पे चलेगा जेर के ऊपर जेर को ही हमें गिराना पड़ेगा और फिर उसकी जगह वाव से मुआफिक जो हरकत है वो लेकर आनी होगी ठीक है जेर वाव से मुआफिक हरकत नहीं है इसलिए वाव से पिछले हर पर पेश लगा दी जा, जाएगी तो ये जेर बेचारी गिर जाएगी जेर थी गिर गई और इसने कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है मैं गिर जाती हूँ वाओ से कि जिसके साथ दोस्ती है उसी को ले आई और वो फिर पेश जनाब साहब जो है ना पेश आ जाता है क्योंकि उसकी दोस्ती है वाओ के साथ अब हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं यू तू ना ठीक है अब अगर हमने इसको मजसूम करना हो या मनसूब करना हो यानी पीछे या तो हरफ नासिबा या जासिमा कोई भी हरफ आ जाए नसब में चला जाए या जजब में चला जाए ये फेल तो फिर नून खत्म हो जाएगा और उसकी जगह अलिफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा यु तू ठीक हो गया तो यहाँ से यहाँ से आप पता चला कि ये यु तू जो है ये कैसे बना अच्छा मैं यहाँ पे आपको पिछली आ, एक और चीज बताना चाहती हूँ जो पिछली आ, क्लास में जो था अः लू उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ यथलो क्योंकि उस टाइम मेरे जहन में बिल्कुल नहीं रहा समाइम कुछ एकदम जहन से स्किप हो जाती है कि यथ लू में हालांकि मेरे हाल से मैंने उसके उसमें लिखा भी है कि ये नून बाबे नून बाबे से है लेकिन जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं इसको यथ लवू पढ़ रही हूँ मैंने जब बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनी तो मैंने कहा मैं ये यथ लवू क्यों पढ़ रही हूँ ये तो यथ लुबू है यथ लुबू यफ ओलू के वजन पे यफ ओलू या आप यन शुरू भी कह सकते हैं यफ यानी ठीक है अब स्क्रीन में इतनी नहीं जगा कि मैं इसको यं सुरु अच्छा अब क्या है कि मैंने उसमें यं सुरु इसको यं सुरु था अच्छा अभी क्या अब उसमें रूल क्या अप्लाई होना है कि जब बिल्कुल अभी ये जो या नाकिस का हमने रूल सीखा ना कि जब बिल्कुल उसी के पैटर्न के ऊपर है कि जब वाओ नाकिस मुतरक हो और उसे पिछले हर्फ पर पेश हो यानी कि वाओ से दोस्ती वाला जो हर्फ हरकत है वो ऑलरेडी मौजूद हो तो फिर वाओ अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता है ये जो वाओ के ऊपर जो भी हरकत होगी वो गिर जाएगी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि वाओ से पीछे जो है पेश उसके मुआफिक हरकत मौजूद है बिल्कुल जिस तरीके से पीछे हमने अभी जो पढ़ा था कि आ, नाकिस याई में जब पीछे युती युती यू, यू था युती यु तो ये जो साकिन से पीछे जेर मौजूद थी ना तो या ने अपनी हरकत को गिरा दिया बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर यत लुबू तो वाओ अपनी हरकत गिरा देगा क्योंकि उसे पिछले हर्फ के ऊपर उसकी मुआफिक हरकत मौजूद है तो जब भी वाओ नाकिस हो और उसे पिछले हर्फ के ऊपर पेश लगा हो तो वाओ अपनी हरकत गिरा देता है तो तब वो बन गया यथ लू मैं उस टाइम पढ़ एक्चुअली उल्टा, उल्टा रही थी ना तो वो मेरे जहन में समझ न आया कि ये यत लवू पढ़ रही हूं मैं तो तब मेरे से वो बन नहीं पाया हालांकि पता भी था कि यन सुरु के बाप से है तो ये तो बहुत ही सिंपल से रूल है कि सिंपल पीछे पेश है तो वाऊ ने अपनी हरकत गिरा दी तो तब बना वो यथ लू और नून किस लिए ड्रॉप हुआ था क्योंकि वो मंसूब या मंजूब बन मन रहा था तो वो नून जो है उसका ड्रॉप हो गया था आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छा चले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आयत नंबर फाइव हमारी जो है कंप्लीट हुई नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आयत नंबर सिक्स से लेके एट तक पूरा कंप्लीट करेंगे इनशाला दुआ मांग लेते हैं سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته